जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी इनवाइट करने के लिए, नए साल में गुरु जी की महिमा बोलने के लिए। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब हम गुरु जी के बारे में, गुरु जी की महिमा, उनके ब्लेसिंग्स के लिए कुछ बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटी चीज़ें हैं, हम एक इंसान हैं, और भगवान के बारे में बोलना बहुत बड़ी बात है। तो शुक्राना मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी जर्नी गुरु जी से स्टार्ट करती हूँ। कैसे इस रब ने मुझे घर से बुलाया मेरे को, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी और बहुत परेशानियों में थी, लेकिन समझ में कुछ आता नहीं था, ऐसे इधर उधर जाती भी नहीं थी, बट रब को मालूम था। और उस टाइम में संगत भी बहुत कम थी, तो मेरी फ्रेंड को गुरु जी ने बोला, सारियां रोंदियां पई हैं, सबनों एक ट्रक च बिठा के लिया। तो इतना बड़ा शुक्राना, इतने बड़े रब ने मुझे घर से बुलाया, मेरी परेशानियों को उन्होंने हटाने के लिए, सब ब्लेस करने के लिए, और कहा भी कि मैं ब्लेस करना है सब नू ले गया। अब उसने सबको बोला, मैं भी उनमें से एक थी, बट जिस जिस को जोड़ना था इस भगवान ने हमें अपने साथ जोड़ा, अपनी ब्लेसिंग दी, बहुत कुछ दिया। इनके लिए क्या बोला जाए नहीं समझ में आता। बोलने से पहले सारी संगत को बहुत बहुत बधाई नए साल की। इस ये रब सबकी झोलियां भर के रखे, वो कुछ दे जो हम चाहते हैं। चाहते क्या हैं? जो वो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। ब्लेसिंग सबको देंगे, देते हैं, देते रहेंगे। तो इस तरह से मेरा गुरुजी से दर्शन करने का मुझे मौका मिला। उन्होंने मुझे खुद बुलाया, बहुत परेशान थी, लेकिन गुरुजी ने जैसा कि बताया गया था, ऐसे बात तो करते नहीं थे, लेकिन अंतर्यामी है, किसी के थ्रू किसी से बात कर रहे होते थे तो जवाब देते थे, और बोलते थे कि कहने दे लोड़ नहीं है, गुरु नू छोटा ना करो कह के। अगर हमने गुरु को बता दिया हमें ये दिक्कत है और हमने उनसे पूछ लिया, तो वो तो पंडित ज्योतिषी की कैटेगरी में आ गए, और हमारे जो ये रब हैं ये उसमें नहीं है, ये भगवान है। बहुत संगत कई बार जैसे हम बैठते हैं सत्संग करते हैं तो क्वेश्चन भी करती है कि क्या फर्क है हमारे गुरु में और बाकी गुरुज में। सभी के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, लेकिन ये भगवान हैं, इनमें ये फर्क है। अगर हम पहले किसी से जुड़े थे, उनके पास जाते थे, तो वो एक सीढ़ी बनके इनके पास लेके आए, भगवान से मिलाया। जैसे हम नर्सरी से केजी में अपर जाते हैं, तो उन्होंने हमें भगवान से मिलाया। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे मन में भी कि जैसे गुरु नाम देते हैं, तो इन्होंने तो कोई नाम ही नहीं दिया, और हम जाते रहे, ब्लेसिंग्स मिलती रही। तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया गुरुजी ने। मेरे हस्बैंड को कहते हैं, मेरे हस्बैंड ने सीधा पूछा गुरुजी से, मैं आपकी फ़ोटो खींच लूँ? उस जमाने में फ़ोटो ही बोलते थे, स्वरूप नहीं बोलते थे। तो कहते नहीं, पहले एडमिशन होगा। फिर जब हम चारों गए, बच्चे अनमैरिड थे, माथा टेका, तो गुरु जी कहते हैं एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया मीन्स नाम मिल गया। फिर क्वेश्चन था कि आगे जाप क्या करें? बड़े मंदिर में लिखा हुआ है बाहर, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। फिर भी हमें रहता है कि हमें भगवान ने कौन सा जाप दिया। तो ऐसे ही कैबिनेट पे गुरु जी बैठे हुए थे, किसी आंटी को कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहायता पाठ किता कर, और मेरी तरफ तिरछी नजर करके, मैं सामने ही बैठा करती थी, तो
कहते हैं आंटी जो सुन रहा हुंदा है ना उन्दे वास्ते भी हुंदा है। तो देखो कितने अंतर्यामी हमारे भगवान हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब दे दिया, नाम भी दे दिया, पाठ भी दे दिया। गुरु जी ने जो दिया वो ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हमने गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद एक रिस्पेक्ट के लिए ऐड किया, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम अपने गुरु को शिव से अलग नहीं कर सकते, हमारे गुरु और शिव एक ही हैं, इनफैक्ट ये महाशिव हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि गुरु जी महाशिव हैं तो गुरु जी सारी देवियों को अपनी बेटी बोलते थे कि मेरी बेटियां हैं, तो किंतु परंतु क्योंकि जब मैंने दर्शन किए थे तो गुरु जी ने कहा कि मास्टर नहीं है किंतु परंतु है, वो आज भी मैं हूँ, क्योंकि इफ बट लग जाते हैं और जो रब ने कहा वो कभी गलत तो होता नहीं। तो मुझे लगता था कि भगवान शंकर की शादी पार्वती माता से हुई थी तो गुरु जी बेटियाँ कैसे बोलते हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि ही इज अबव देन शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो महेश थे वो शिव थे, उनकी शादी माता पार्वती से हुई थी, लेकिन हमारे जो गुरु हैं ये हमारे भगवान जो हैं ये महाशिव हैं, ये अबव देन, इनसे ऊपर कोई नहीं है, ही इज द अल्टीमेट पावर। तो हर चीज का उन्होंने जवाब दिया, कौन दे सकता है, एक भगवान दे सकता है, कुछ भी इनको कहने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह मेरी जर्नी चलती रही, परेशानियां एक के बाद एक तो चल ही रही थी लाइफ में, क्योंकि अपने कर्मास का मालूम होता है, हर चीज का हमें मालूम होता है कि हम जो सफरिंग हमारे साथ है वो किस वजह से है, क्योंकि हमने इतने कर्म ही बुरे किए। वो संगत क्वेश्चन करती है कि हमें अपने कर्मों का क्या पता, इनका पता है, जो हम सफरिंग देख रहे हैं बचपन से ही, आई लॉस्ट माई मदर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स और वो 38 ईयर्स की थी, तो परेशान कर्म तो पता ही है, भगवान जी तो कभी गलती करते नहीं, हमारे कर्मास ही हमें सफरिंग देते हैं, उसका जवाब भी उन्होंने मुझे दिया। और गुरु जी अभी इसी फिजिकल टाइम में जो मैं 2001 में जुड़ी हूँ, ये तो हमें वैसे दिखता है, लेकिन उनके साथ हम कितने जन्मों से जुड़े हैं हमें नहीं मालूम, क्योंकि उसी का जवाब उन्होंने मुझे दिया। 74 में जब मेरे मदर की डेथ हुई तो बहुत क्वेश्चंस थे, हम चार सिस्टर्स थे, लाइफ काफ़ी टफ हो जाती है, तो क्वेश्चन ये रहता है कि मेरी मदर की सोल कहाँ गई, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारी बातें, वो गुरुजी से कनेक्टेड है इसीलिए मैं सत्संग कर रही हूँ। तो जब मैं गुरुजी के पास, गुरुजी ने मुझे फिजिकल उसमें दर्शन दिए, तो फिर वही क्वेश्चन था, और एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरी मदर की सोल कहाँ है, क्योंकि मदर की डेथ के बाद काफ़ी टाइम के बाद 97 में जब मेरी सबसे छोटी सिस्टर की बेटी हुई तो मेरी मदर ने खुद मुझे ड्रीम में आके बताया कि उनकी छोटी बेटी की वो सोल है। पहली बारी लाइफ में वो मेरे ड्रीम में आई थी आफ्टर डेथ, तो आई वॉज सो एक्साइटेड ऑल्सो, बट तब तक जैसे ही मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, तो क्वेश्चन था कि अगर गुरुजी उससे बताएंगे उस चीज़ को तो तभी कंफर्म होगा, मेरे को बताने से या मेरे ड्रीम में आने से मैं सेटिस्फाई नहीं थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मुझे हाँ बोली। तो संगत जी आप देखो, उससे क्लियर होता है कि हम हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कितने जन्मों से थी, कब से थी, हम जब उनसे नहीं मिले थे, मिलने का एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पे वो बुलाते हैं और हमें पूरा मौका देते हैं,
गुरु जी तो एक बार किसी संगत को ये भी बोल रहे थे कि मैं हजारों साल पुरानी संगत से अपनी बुराई एक मिनट में करवा सकता हूँ। तो कई बार बहुत डर लगता है कि गुरु जी प्लीज़ अपने साथ जोड़े रखना, हमारी बुद्धि को खराब नहीं करना, हमारा दिमाग खराब नहीं हो, क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं, हमारा दिमाग कहीं भी चलता है। तो मेरी मदर की सोल की जर्नी भी उन्होंने बताई, तो पहले से ही उनके साथ कनेक्शन था। और गुरुजी से जुड़ने के बाद जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमें वैसे फिजिकली नहीं मांगनी चाहिए, जो आज हमें लगता है हम मांग ही लेते हैं, अब समझ आती है कि रब से तो हमें स्पिरिचुअल जर्नी मांगनी है। लेकिन तब तो यही होता था, घर दे दो, बच्चों की शादियां करा दो, आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाए, यही मांगते थे। नहीं समझ थी, समझाया उन्होंने और बताया कि ये चीज़ें तो मैं दूंगा ही दूंगा, लेकिन गुरु को मांगो। गुरु से मांगने से हमने जो हमारी अपलिफ्टमेंट होती है अपनी सोल की, वो हम नहीं कर पाते। जो अब स्टार्ट किया फिर भी हम गलतियां करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं मांगने गई थी गुरु जी से, जो मेरी कुलीग ने बोला था, मटेरियल चीज़ें ही मांगने गई थी, और एक के बाद एक इस रब ने मुझे वो भी दी जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और बोल के गई थी गुरु जी से, मुझे नहीं मालूम, ये कह रही है कि आप भगवान हो और आपको सब कुछ पता है, तो जो मुझे चाहिए, जो मेरी परेशानियां हैं गुरु जी, उससे आप प्लीज़ दूर करो। तो गुरु जी ने की, कहने के बिना कहे, क्योंकि उस टाइम मेरी लाइफ ऐसी थी कि जैसे कोई नाली में कीड़ा कुलबुलाता होता है। हम हैं सभी कीड़े ही हैं। गुरु जी ने खुद बोला था कि तुम मुझे छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हो, लेकिन गुरु जी ने कहाँ से कहाँ मुझे बिठाया, मेरी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेकर गए। बच्चों की शादियाँ करानी, घर को चेंज कराना, घर चेंज के लिए मैं मेनली गुरु जी के पास गई थी, जो कि नहीं हो रहा था। और कुछ मेरे डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे, वो भी गुरु जी ने ड्रीम में ही काटे, बिना बताए बिना कहे, गुरु जी के दर्शन किए बिना। जिस दिन मुझे जाना था उसी नाइट को मेरे डॉटर को गुरु जी ने ड्रीम में दिखाया कि उसके लेग में से एक बहुत बड़ी कोई चीज़ फटी है और पूरी बाल्टी खून और ब्लड से भर गई है, ये फ्लूइड से भरी है। वो डर गई, सुबह उसने मुझे बताया, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, अभी मैं गई नहीं थी एम्पायर स्टेट, तो उसने मुझे बोला कि कुछ इसकी प्रॉब्लम है जो गुरुजी ने काट दी, तो उस मालिक ने उसे पहले ही हटा दिया। फिर घर की प्रॉब्लम थी, घर चेंज नहीं हो रहा था, छोटा था, बच्चों की शादियां करनी थी। तो मैंने जाते ही माथा टेकते ही गुरु जी को प्रेयर ही की कि मुझे नहीं मालूम आप क्या हो, बट मेरा घर चेंज कराओ। तो गुरु जी ने 3 मंथ्स में मेरा घर बदल दिया, जो कि जहाँ पे आज मैं बैठी हूँ, इस तरह का घर मेरा ड्रीम हाउस था। लेकिन मैं नहीं इस ब्लॉक में भी आती थी, क्योंकि हमारे बजट में नहीं था, बट इस रब ने कर दिया। रब तो कुछ भी कर सकते हैं। और घर लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने गुरु जी के हाथ में चाबियां दी, तो गुरु जी ब्लेस करो, तो गुरु जी कहते हैं ऐ की ऐ ते बहुत छोटी चीज है, मैं तेनु उत्तों तो थल्ले तक ब्लेस किया। तो संगत जी कितना शुक्राना किया जाए, उनके मुख से एक एक वर्ड की अपनी वैल्यू है। और फिर उन्होंने हमें कार्ड दिया, कमांडर शर्मा अंकल की डॉटर के की शादी का कार्ड था, कहते ये ले, ऐ वह अटेंड करते तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग ने। हम इतने खुश हुए, उनके हाथ से हमें कार्ड मिला और कहा कि इस शादी को अटेंड करने से तेरी ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। उसके साथ भी बहुत सारे सत्संग कनेक्टेड हैं,
मेरे हस्बैंड जो है वो रात को घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ड्राइवर के साथ भी। उन्हें लगता है कि 10 बजे से पहले हमें घर आना है। अब हम शालीमार बाग में रहते हैं नोएडा में, और गुड़गांव का उन्होंने काट दिया गुरुजी ने। हमारे घर से 52 से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और ये तो बिल्कुल घर से निकलते ही नहीं थे, इतने डरपोक थे। और गाड़ी भी छोटी थी, मारुति 800 थी तब, लेकिन इनके हाथ में ही काट दिया। गुरुजी ने वो डर भी निकाला और हम अपने घर से उसी गाड़ी से गुड़गांव पहुंचे। जीपीएस नहीं होता था, लेकिन हमें कहीं भी पूछना नहीं पड़ा। अभी उनकी डेकोरेशन ही चल रही थी और हम वहाँ पहुँच गए। हमने वो मैरिज अटेंड की और वापस आए रात को 1:30-2 बजे। तब से लेकर अब तक उनका वो डर भी ख़त्म हुआ है। ऐसा आप कुछ नहीं करते, क्योंकि बड़े फंक्शंस में जब गुरुजी बुलाते थे तो 3-4 बजे ही हम निकलते थे, और बड़े मंदिर में होते थे। बड़े मंदिर से का रास्ता उस टाइम में बिल्कुल लोनली होता था। अब तो बहुत बस गया है, पूरा रात ही वो रोड चलती है। तब गड्ढे भी होते थे और ऐसे कोई लाइटिंग नहीं थी, और डर वाला माहौल होता था। लेकिन हमें कभी डर नहीं लगा, क्योंकि गुरुजी ने बुलाया है, कि रब ने बुलाया है। तो ब्लेसिंग के साथ जो मन में एक डर है वो भी गुरुजी ने निकाला। फिर मेरी डॉटर को तो उन्होंने पहले ही ठीक कर दिया। घर में आने के बाद हम जाते रहे गुरुजी के पास। मैं सच कुछ बात नहीं कर पाती थी गुरुजी से, लेकिन मेरे साथ परेशानियां बहुत थी। मेरे कर्माज ऐसे थे, मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, जिसकी इंडिकेशन है, जिसके बचपन से ही सफरिंग हो, तो वो कर्म तो खराब करके आई ही है। उसी कर्मों को काटने के लिए गुरुजी मुझे बहुत दूर से ही भगाते थे, माथा नहीं टेकने देते थे, और सीधा बोलते थे चल मास्टरनी ऊपर। कभी उन्होंने कहना चल पालंटी ऊपर, तो मैं उनके नज़दीक भी नहीं जा पाती थी। और आते हुए मैं बहुत रोती थी, बोलती थी गुरुजी को मन में, सामने तो बोल नहीं सकते थे, कि गुरुजी मुझे मालूम है मेरे कर्मास कितने खराब हैं, और आपने समझा भी दिया है, बट क्या इतने खराब हैं कि मैं एक भगवान को माथा भी नहीं टेक सकती। खैर 4 मंथ्स तक मेरे साथ ऐसा होता रहा। उसके बाद एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, और मुझे पाल आंटी बोलते थे या मास्टर नहीं बोलते थे। उस दिन कहते हैं मेरे, जैसे मैं बेड पे उठ के बैठी हूँ तो गुरुजी साथ ही आके बैठ गए, और कहते हैं ऐ वेख मंजूनू किन्नी कमली है, अनु मत्था नहीं टेकन देंदा थे कि मैं प्यार नहीं करता, ऐथे रखदा ऐथे, इस तरह उन्होंने इशारा करके बोला। और पूरे चरण उन्होंने सॉक्स के साथ हटा के आगे कर दिए, कहते ले टेक ले माथा, जबकि हमने फिजिकली गुरुजी के चरण विदाउट सॉक्स कभी दर्शन नहीं किए। और उस टाइम आई वॉज सो एक्साइटेड, क्योंकि मैं बहुत रोती थी। मैंने गुरुजी के चरणों में किस किया, माथा टेका, उनके चरण ऐसे अपने हाथों से लपेट लिए, उनकी गोदी में बैठ गई, उन्हें हक किया, और गुरुजी को बोला कि आप तो बहुत नॉटी हो लॉर्ड कृष्णा की तरह, आप मुझे तंग कर रहे थे। और मेरा ड्रीम टूट गया, उठ गई मैं, सुबह हो गई थी। नेक्स्ट डे फ्राइडे था, गुरुजी ने हमें फ्राइडे का ही दिन दिया हुआ था। तो फ्राइडे जब मैं गई, मैं दर्शन करने पूरी फैमिली के साथ जाते थे, तो साइड पे कैबिनेट है जहाँ गुरुजी बैठे होते थे, और जनरली गुरुजी के जैसे चरण नीचे होते थे तो ऊपर फोल्ड कर लेते थे ताकि मैं माथा ना टेक पाऊँ, ज़मीन पे टेकूँ। उस दिन गुरुजी के चरण फोल्ड थे, उन्होंने नीचे किए। जो ड्रीम में मुझे दिखाया था वो सब उन्होंने किया, और मेरे हस्बैंड से बातें करने लग गए और मुझे पूरा मौका दिया।
उनके चरणों को किस करने का, चरणों को जैसे मैंने हाथों से लपेटा था सेम वही उन्होंने पूरा मौका दिया और मेरी तरफ तिरछी नजरों से देख के हंसने लगे। क्लियर किया, गुरुजी हमेशा बोलते थे कि जो ड्रीम होता है वो ड्रीम नहीं होता, वो साक्षात दर्शन होते हैं। तो उन्होंने क्लियर किया। उसके बाद ना तो मैं कभी रोई, क्योंकि गुरुजी ने मना भी नहीं किया, मना भी करते तो भी मुझे रोना नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया था कि मेरे कर्मास को काट रहे थे। जब हम शुरू में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर होती जो धीरे धीरे क्लियर होती हैं। और उसके बाद वो ऊपर ही लेके गए हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे घर की प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, एक के बाद एक उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, ब्लेस किया इनमें से। सॉल्व तो इंसान करते हैं, ये वर्ड भी गलत है बोलना, वो ब्लेस करेंगे तब भी मेडिसिन भी लगती है। और 5 में मेरे डॉटर की मैरिज करा दी, उसकी अलग अपनी जर्नी है, वो सत्संग लंबा हो जाएगा। मैं अपना ही अभी सत्संग संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। 7 में मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी, उनको बोला अमेरिका चला जा, और हमारे पास उस टाइम फाइनेंस नहीं था इतना, क्योंकि गुरुजी ने घर भी चेंज करा दिया था, गाड़ी भी बदलवा दी थी, डॉटर की मैरिज भी करा दी थी। और एक साल के बाद डॉटर गई, तो जैसे हम सर्विस क्लास हैं तो पैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, लेकिन गुरुजी ने कहा कि चल अमरीका कुड़ी नू मिला। वहाँ भेजने का एक ही रीज़न था, इनको न्यू लाइफ देनी, और उन्होंने क्लियर भी किया था। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने क्लियर मुझे दिखाया बड़े मंदिर के, जहाँ शिव जी की प्रतिमा है, उस टैंक में डूबे हुए दिखाया है। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि निकाल दो, नहीं तो यहाँ तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। तो गुरुजी मुझे वहीं खड़े होके कहते हैं, कुछ नहीं हो देंगे इनू, चाहे अपनी जान ना देनी पड़े। तो संगत जी, एक लाइफ, न्यू लाइफ कौन दे सकता है? एक रब दे सकता है, और इस रब ने दी। उन्हें शिफ्ट किया यहाँ से अमेरिका और न्यू लाइफ दी, और आज की डेट में उनकी जो लाइफ है वो इस भगवान की दी हुई है। भगवान ही दे सकते हैं। उनको भेजते रहे, कभी वो 3-4 महीने यहाँ, 3-4 महीने वहाँ, आज भी वो अमेरिका में है। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी ने हमारी लाइफ में की। मटेरियल चीज़ें तो लेना, फिर भी अब मैं समझती हूँ उतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक जो कोई बीमारी और लाइफ देना, वो कोई नहीं दे सकता। आप पूरी दुनिया को आग लगा दो, सब कुछ बेच दो, लाइफ आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये हमारा रब दे सकता है। उन्होंने दी, उसकी मैं प्रूफ बैठी हूँ। और आज सोचती हूँ कि अब जिस स्टेज पे हम हैं, अब कुछ भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम बैक उसमें जाते हैं 17-18 साल पहले, तो डिजास्टर हो जाता। सब उन्होंने सेट किया, बहुत सारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को डॉटर की ज़िंदगी में भी आई, लेकिन वो करते चले गए, आज भी कर रहे हैं। डे टू डे लाइफ में हर पल हमारे साथ एक सत्संग होता है, हर पल। अगर हम आंख भी खोल रहे हैं सुबह, जिंदगी में जो भी चीज़ें चलती हैं वो इस रब की मर्जी के बिना नहीं चलती। मेरे डॉटर को जब यहाँ पे थी मैरिज से पहले, मन की बात कैसे जानते हैं उससे रिलेटेड मैं सत्संग पहले भी अभी शेयर किया कि अपने आप ही बता देते थे। तो उसको भी लगता था कि जब हम भगवान को सामने देख रहे हैं, उनकी जो बॉडी थी वो मैं तो देख नहीं सकती थी, क्योंकि ऑरा ही ऐसा था कि मैं वैसे ही पीछे हो जाती थी, इतना तेज होता था।
तो मेरी डॉटर को लगता था कि मैं उनकी बॉडी को टच करूं, जैसे वाइट मार्बल भी जो है ना वो भी फीका है, उस तरह की उनकी बॉडी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास नो वर्ड्स। तो उसके मन में था, तो गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, उसके बाद लंगर होता था। तो डॉटर के जैसे मन में आया, उसने कहा तो नहीं लेकिन सोचा ही, तो उसको गुरुजी ने जैसे प्रसाद दिया और वो प्रसाद गुरुजी ने अपने ही चरणों पे गिरा दिया और कुछ उसके मेरे डॉटर के हाथ में आया। तो उसको ऐसे देख के कहते हैं बड़े प्यारे से स्टाइल में, सॉरी। तो वो बहुत घबरा गई, एम्बैरेसिंग लगा कि गुरुजी सॉरी बोल रहे हैं। कहा गुरुजी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, गलती तो मेरी है। तो गुरुजी मुस्कुराए और उसे साइड पे बिठा दिया। साइड पे बिठा के वो उस प्रसाद को ऐसे एक एक दाना चुनने लगी और चुनते चुनते वो उनकी बॉडी को भी टच कर रही थी। तो क्योंकि उसके मन में था, वो प्रसाद गुरुजी ने खुद गिराया था, उनके हाथ से प्रसाद गिर नहीं सकता। एक हाथ से उठाते हमारे दो हाथों में हम गिराते थे, वो नहीं गिराते थे। लेकिन अंतर्यामी कितने हैं, उसे पूरा मौका दिया, उसने पूरे उनके चरणों को जैसे वो चाहती थी वैसे किया, टच कर करके देखा और दूसरी साइड से लाइन को लगा के उनको प्रसाद देते रहे। तो शुक्राना इस मालिक का, कितनी इनका शुक्राना किया जाए, कैसे मन की बात को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम वापस आते थे तो एक ही बातें होती थी, आज गुरुजी ने किसको क्या बोला, कैसे क्या किया। उस लड़की ने तब से लेके अब तक मुझे वो प्रसाद वाली बात ही नहीं बताई थी, उसे वो ब्लेसिंग अपने अंदर रखनी थी और बहुत खुश थी कि वो चरणों से प्रसाद उठा के उसने फिर खाया। तो अभी कोविड टाइम में जब उसने सत्संग किया कितने सालों के बाद, तब उसने जब ये सत्संग शेयर किया, तब मैंने उससे पूछा कि ये सब कब हुआ था, तूने तो बताया ही नहीं। तो वो हंसने लगी, कहती मेरी ब्लेसिंग थी, मुझे लगा ही नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो ये रब का और हर संगत का, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे कोई भी है, चाहे फ्रेंड है, उनका वन टू वन अपना कनेक्शन है। और बच्चे ज़्यादा गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वो उन्हीं से अपना कनेक्शन रखना चाहते हैं, ज़्यादा बातें वो शेयर नहीं करते। हम बड़े होके तो फिर एक्साइटमेंट में आते हैं, बच्चे अपने अंदर रख के उनसे जुड़े हुए हैं। और कुछ आज भी अगर मैं परेशान होती हूँ किसी भी चीज़ पे, ऐसा नहीं होता कि हम रब से जुड़ गए, वो हमें सब कुछ दे रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये चीज़ तो सोचनी ही नहीं चाहिए कभी भी, कर्म तो हमने काटने ही काटने हैं। लेकिन बच्चे नहीं ऐसा कहते, वो बोलते हैं इट्स ओके, जो चल रहा है उनको मालूम है, उन पे हमने छोड़ना है, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अब तो डर भी किसी चीज़ का नहीं लगता, मरने से भी कोई डर नहीं लगता, क्योंकि क्या होगा, जाना तो अब उनके पास है। चाहे हम उन्हें निराकार रूप में इस धरती पे उनके साथ हैं या वहाँ जाके उन्हें साक्षात देखेंगे, कोई फर्क नहीं है। और वो अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं देख सकते, ना देखते हैं। अगर हम परेशान होते हैं, वो हमसे 100 गुना ज़्यादा परेशान होते हैं और हमारी हर प्रॉब्लम को काटते हैं। बहुत लंबे सत्संग है मेरे, बहुत टाइम लगेगा, बट शॉर्ट में मैं इतना ही कह के अपने सत्संग को वो करती हूँ, विराम देती हूँ, कि इस रब को मानो, इस रब को सरेंडर करो, भगवान मानो। और ये भगवान है, मानो वाली बात नहीं है, वो भगवान है। ये मैं एक पेपर पे लिख के दे सकती हूँ, इनको सरेंडर करना है, इन्हीं के ऊपर सारी हमने कंसंट्रेशन रखे कि आप जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए, और इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही करेंगे, ब्लेस करेंगे,
नए साल में सबके लिए बहुत बहुत खुशियाँ आए, सबकी झोलियाँ भरें, जो परेशानियाँ देखें वो सब दूर हों, ये हमारे भगवान जी सबके लिए करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी, जय गुरु जी।